नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती में दिव्यांग आरक्षण के नियमों का संवैधानिक पालन न किए जाने के संबंध में पहला उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा भर्ती गतिमान है, जिसका शासन आदेश 5 दिसंबर 2018 को जारी किया गया है। उसी भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी तथा परीक्षा फल 12 मई 2020 को जारी किया गया था। दूसरा, भर्ती प्रक्रिया में अंतिम चयन सूची 1 जून 2020 को जारी की गई थी, जिसमें विभाग के द्वारा दिव्यांग आरक्षण RPWD एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया है। तीसरा, विभाग के द्वारा दिव्यांग आरक्षण की अनदेखी व दिव्यांग अधिकारों का हनन किए जाने के कारण अपनी निम्नलिखित मांगों को लेकर हम सभी दिव्यांग अभ्यर्थी 14 दिसंबर 2020 से बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक हम दिव्यांगों के पक्ष में हमारी मांगों के संबंध में प्रशासन द्वारा कोई न्यायोचित निर्णय का लिखित आवेदन नहीं प्राप्त हो जाता है। चौथा, भर्ती प्रक्रिया के 2 चरण पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसके अनुसार दिव्यांग आरक्षण का हनन किया गया है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जबकि दिव्यांगों ने सरकार के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का 60-65% कटाव को उत्तीर्ण किया है। प्रमुख मांगे, पहला, 69,000 बेसिक शिक्षा RPWD एक्ट 2016 का पालन करते हुए नियमानुसार 4% आरक्षण दिया जाए। दूसरा, श्रवण ह्रास एवं दृष्टि बाधित दिव्यांग जनों की बची सीटों का चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाए। तीसरा, पिछली भर्तियों की 1350 बैकलॉग सीटें 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती में जोड़ी जाए। चौथा, 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार ओवरलैप कराया जाए। उपेंद्र कुमार मिश्रा, धनराज यादव, विष्णु कुमार रंजीत बाबू, प्रदीप कुमार शुक्ला, दीपेंद्र कुमार, कामलेश यादव, शिवेंद्र कुमार सिंह आदि समस्त दिव्यांग अभ्यर्थी मौजूद रहे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। गवर्नमेंट से जो है 5 मांगे हैं और सर हमारा धरना जो है वो 8 दिन से लगातार निरंतर चल रहा है। सर हमारी जो 5 मांगे हैं वो क्रमशः ये हैं कि जो RPW एक्ट 2016 है उसका नियमतः पालन कराया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछली बैकलॉग सीटें बची हुई हैं उसको 69,000 में ऐड किया जाए, दिव्यांगों को जो 4% आरक्षण है उसको रूल वाइज फॉलो किया जाए, VI और HI की जो बाकी बची हुई सीटें हैं उसको OS में मर्ज किया जाए, सीट इंटरचेंज किया जाए, और आरक्षण का जो ओवरलैप है उसको फॉलो किया जाए। अंकिता पांडे। सर हम लोग दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, 60-65 कट ऑफ सरकार द्वारा लगाए गए क्वालिफाई हैं, और हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं वो RPW एक्ट 2016 है, जिसको पूर्ण रूपेण पालन कराने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके प्रमुख मांगे हैं 4% आरक्षण दिया जाए, हम लोगों का जो दृष्टिबाधित और हियरिंग के कैंडिडेट नहीं मिले हैं उनकी सीटें जो चलन क्रिया पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको दिया जाए, और साथ में पिछली भर्तियों की जो 1350 बैकलॉग सीटें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, और अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा से सामान्य या अनरिजर्व की कटाप को फॉलो करता है तो उसे अनरिजर्व की कटाप को फॉलो किया जाए, खुली प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाए। राघवेंद्र सिंह, फतेहपुर से।